हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम। इस YouTube चैनल की सहायता से हम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और उन सभी जनजातियों की एक विशिष्ट कला होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जनजातीय कलाओं के बारे में पढ़ने के लिए। तो हमने जनजातीय कलाओं को दो भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले है प्रदर्शनकारी कलाएं, जिसको प्रदर्शन के द्वारा में कला प्रदर्शित किया जाता है, वो कलाएं हैं। और दूसरा है रूपंकर कलाएं। हम एक एक करके देख लेते हैं कि प्रदर्शन कलाएं में क्या क्या आता है और रूपंकर कलाएं में। तो प्रदर्शन कलाएं में मुख्यतः नृत्य और नाटक आते हैं और रूपंकर कलाओं में बहुत सारे कला आते हैं। यह शिल्प कला भी बोलते हैं इसे। मिट्टी शिल्प है, काष्ठ शिल्प है, लौह शिल्प, कोसा पत्ता शिल्प, बांस शिल्प, धातु कला है, कंघी शिल्प है, गढ़वा शिल्प है, ये सारी कलाएं हैं। रूपांतर कलाएं बहुत सारी कलाएं होती हैं, लेकिन हम उन मुख्य कलाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रदर्शन कलाएं में देख लेते हैं। प्रदर्शन कलाओं को हमने चार भागों में बांटा है। ये मुख्यतः है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक गीत और लोक चित्रकला। हम इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो है लोक नृत्य से। तो छत्तीसगढ़ में जो लोक नृत्य है वो बहुत प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मद्देनज़र कुछ मुख्य नृत्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं उनका अलग अलग बनाया है, मुख्य नृत्य और अन्य नृत्य के हिसाब से। मुख्य नृत्य में जो है सुवा नृत्य है, चंदेनी है, राउत नाचा है, पंथी नाचा है, कर्मा है, सैला नृत्य है, परधोनी है, गेड़ी नृत्य, फाग नृत्य और बिल्मा नृत्य है। ये सारे जो हैं मुख्य नृत्य है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम एक एक करके सबको विस्तार में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है, ये मुख्य नृत्य है। और अन्य नृत्य में हमने इन 10 को रखा है। मुख्य नृत्य में 10 हैं और अन्य नृत्य में 10 हैं, तो टोटल लोक नृत्य जो है 20 हैं। आपको इन 20 को याद रखना है। पहले आप मुख्य नृत्य पढ़ें, फिर अन्य नृत्य। अन्य नृत्य में थापटे नृत्य है, ककसार है, दशहरा नृत्य है, हुलकी है, राय नृत्य है, ढांडल नृत्य है, अटारी नृत्य है, कोल दहका नृत्य, ये सारे अन्य नृत्य हैं। तो चलिए अब हम मुख्य लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने एक थोड़ा एनिमेशन के थ्रू सभी स्लाइड्स को, मतलब सभी जो मुख्य लोक नृत्य हैं उनको एक ही पेज में रखा है। जब भी आप कोई नृत्य पढ़ें तो बाकी जो नृत्य उसमें दिए हैं उसको एक बार देख लें। तो आप जब तक ये 10 नृत्य पढ़ेंगे तब तक आपको उनके नाम याद हो चुके होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सुवा नृत्य पढ़ते हैं। तो जैसा कि सुवा नृत्य, देखिए सुवा नृत्य हाईलाइट हो गया, बाकी सब डी हाईलाइट हो गए, काले कलर के हो गए हैं, ब्लैक कलर के। मतलब हम अभी सुवा नृत्य पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये सारे नृत्य जो हैं एक बार उसको एक बार हल्की नज़र से देख लेंगे ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। तो चलिए अब हम सुवा नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। अब सुवा जो है छत्तीसगढ़ में मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य पर्व है। अब यह छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। इसमें सभी जाति वर्ग की स्त्रियां हिस्सा लेती हैं और यह दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही शुरू हो जाता है और दीपावली की रात्रि में शिव गौरव विवाह के आयोजन से समाप्त हो जाता है। इसलिए सुवा नृत्य को गौरा नृत्य भी कहा जाता है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सुवा नृत्य को और क्या कहते हैं, तो उसे गौरा नृत्य भी कहते हैं या गौरा नृत्य किसका पर्यायवाची है, तो सुवा नृत्य का है। इसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली में महिलाएं अपने अपने गांवों से कुछ टोली ग्रुप बना के जो जितने भी आसपास के गांव हैं वहां घूमती है, भ्रमण करती है और हर घर के सामने एक गोलाकार झुंड बना लेती हैं और ताली बजा बजा के नृत्य करती हैं। ताली की थाप पे नृत्य करती हैं और गीत भी गाती हैं। जो घेरे बनाती हैं उसके बीच में एक युवती रहती है, उसके सिर पर लाल कपड़ा ढका रहता है और वो सर पे एक टोकनी लिए होती है। टोकनी में दान भरकर उसमें मिट्टी के 2 तोते सजा के रख देते हैं उसमें टोकरी में। अब ये जो तोते होते हैं ये शिव पार्वती होते हैं, 2 तोते शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे सुवा मतलब होता है तोता, ये प्रेम के जो प्रतीक है, प्रेम के गीत होते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे को अपना चिट्ठी पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही यहाँ पे तोता है। किशोरियाँ अपना संदेश जो भेजती थी अपने प्रेमी को, वो सुअर के माध्यम से भेजती थी, तोते के माध्यम से भेजती थी, इसलिए इसे प्रेम गीत कहते हैं, सुअर नृत्य। अब हम अगला पढ़ लेते हैं, वो है चंदेनी, चंदेनी नृत्य। चंदेनी नृत्य को हम लोरिक चंदा नाम से भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, या लोरिक चंदा नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। यह दो शैलियों में पाया जाता है, एक तो लोक कथा के रूप में और दूसरा नृत्य के रूप में। तो जब हम इसे कथा जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यह आएगा, तो चंदेनी को आप याद रख सकते हैं। लोरिक चंदा जो आखिरी पॉइंट है, लोरिक चंदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पुरुष पात्र होते हैं वो विशेष वेशभूषा में नृत्य के साथ चंदेनी कथा प्रस्तुत करते हैं, और यह जो नृत्य होता है, यह नृत्य गीत होता है, यह रात भर चलता है। बीच बीच में विदूषक क्या है, जलती मशाल पर कर्तव्य दिखाता है। उस जो रहते हैं उनमें से एक विदूषक नाम का रहता है व्यक्ति, मतलब उसका नाम विदूषक नहीं रहता है, उसका किरदार विदूषक रहता है, विदूषक बना होता है, और वह जलती मशाल पर कर्तव्य दिखाता है। तो इसे ये इसका भी आप नाम याद रखें, पहले सुआ गीत को हम गौरा नृत्य भी कहते हैं और चंदेनी नृत्य को लोरिक चंदा कहते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं, वो है राउत नाचा। राउत नाचा जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या नाम तो सुने ही होंगे। यह जो राउत नाचा है, यह राउत समुदाय का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला एक परंपरागत नृत्य है। इस नृत्य में लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लकड़ी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं, ठीक है, और हर गांव में जाते रहते हैं। और गांव में जितने घर हैं, उस घर के जो मुखिया रहता है, जो मालिक रहता है, ओनर रहता है, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो नृत्य के पहले दोहे गाए जाते हैं। जो दोहे होते हैं, दोहे श्रृंगार, अब जो दोहे होते हैं वो किसके होते हैं, वो श्रृंगार के होते हैं, प्रेम रस के होते हैं, हास्य रस तथा जितने भी पौराणिक हैं, पुराने ज़माने की कथाओं के आधार पर उसके संदर्भ में वो दोहे रहते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं पंथी नृत्य। पंथी नाचा भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यह सतनामी जाति का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में विशेष वेशभूषा पहना जाता है। जो पंथी नृत्य की शुरुआत है वो देवताओं की स्तुति से होती है, और यह जो पंथी गीत है उनका जो प्रमुख विषय होता है वो गुरु घासीदास का चरित्र चित्रण होता है। इस नृत्य में आध्यात्मिक संदेश के साथ मानव जीवन की महत्ता भी होती है। तो यह मुख्यतः घासीदास जी के, जो गुरु जी घासीदास जी हैं, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं और सबको उनके चरित्र का अनुसरण करने को कहा जाता है इसमें। अब हम अगला पढ़ लेते हैं, वह है कर्मा नृत्य। जो कर्मा नृत्य है वो भारत की बहुत सारी जनजातियों में मिलते हैं। भारत के कई जगहों पे कर्मा नृत्य किया जाता है, बट छत्तीसगढ़ में गोंड, बैंगा, उराव, कमार, कंवर, ये सारे जो जनजातियाँ हैं इनमें ज़्यादातर ये कर्मा नृत्य किया जाता है। अब कर्मा, जैसा कि नाम से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कर्मा मतलब कर्म, तो हम कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य गीतों में आदिवासियों के प्रेम श्रृंगार के साथ प्रत्येक गतिविधियों की समसामयिक समग्र अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अब कर्मा का जो विस्तार है वो कहाँ पे है, मतलब ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों को छोड़कर सभी जिलों तक है। तो ये मुख्यतः, मतलब आप देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो हम अब अगला नृत्य पढ़ लेते हैं, जो है शैला नृत्य। अब शैला नृत्य जो है, ये जो है आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक होता है शैला नृत्य। अब शैला का अर्थ होता है शैल, शैल या डंडा भी बोलते हैं इसे, मतलब शैल मतलब होता है बेसिकली, शैल तो पता होगा आपको, पहाड़ों को कहते हैं, पत्थर। तो जो शिखरों पर रहने वाले लोग करते हैं जो नृत्य, उस नृत्य के नाम पे, उन लोगों के नाम पे पड़ा है इसका नाम शैल, शैल नृत्य, मतलब पर्वतों पे करने वाले नृत्य करने वाले। अब यह नृत्य कब होता है, यह नृत्य दशहरे में आरंभ होकर संपूर्ण शरद ऋतु की रातों तक चलता है। अब शैला नृत्य को हम डंडा नाच के नाम से भी जानते हैं।
तो देखिए जो नाम दूसरे दूसरे नाम आ रहे हैं ये आपको याद रखना है। हमें अभी तक सुवा नित्य पढ़ लिया है। सुवा नित्य को हम क्या कहते हैं? गौरा नित्य कहते हैं। चंदेनी नित्य को हम क्या कहते हैं? लोरिक चंदा कहते हैं। वैसे हम सैला नृत्य को क्या कहते हैं? डंडा नाच। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। अगला नृत्य पढ़ लेते हैं हम, परधोनी नृत्य। अब परधोनी नृत्य जो है यह बैगा जनजाति लोग करते हैं। बैगा जनजाति में जब विवाह होता है तब यह नृत्य किया जाता है। अब इसकी कुछ रस्म है, कुछ इनकी संस्कृति है। जब बारात की अगवानी होती है, मतलब जब बारात आता है, उस समय खटिया, सूप और कंबल आदि से हाथी बनाकर नचाया जाता है। मतलब एक हाथी का आकार जैसे बना के उसको नचाया जाता है। हाथी पर समधी को बैठा कर गाते हैं और नाचते भी हैं। हाथी के आगे दुल्हन होती है, तो ये इनकी एक परंपरा है। तो आप परधोनी नृत्य को अच्छे से याद रख सकते हैं एक कहानी के तौर पे, कि हाथी बनाया जाता है, समधी को उसके ऊपर बैठाया जाता है और दुल्हन को सामने रख के डांस करते हैं या नाचते हैं। तो परधोनी नृत्य आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब जो इस नृत्य में जो बजाते हैं, जो वाद्य यंत्र होता है, वो जो नगाड़ा होता है और एक टिमकी होती है, ये दो वाद्य यंत्र इसमें मुख्यतः बजाते हैं। अग्रा नृत्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे युवा करते हैं इसको, जिसका नाम है गेड़ी नृत्य। अब गेड़ी नृत्य जो है बस्तर के मुरिया जनजाति का एक विशेष नृत्य है। इसमें बांस की गेड़ी पर चढ़कर नृत्य किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान होता है, मतलब इसमें मेल्स ही करते हैं, सारे पुरुष ही इसमें नृत्य करते हैं। इसमें जो दो नर्तक होते हैं वो टिमकी बजाते हैं, मतलब जो वाद्य यंत्र है टिमकी बजाते हैं, और जो अन्य होते हैं 8-10 युवक वो उनको घेर कर केड़ी पर चढ़कर लय गति से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कोई गीत नहीं गाया जाता, मतलब इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, बस गेड़ी के ऊपर चढ़कर बैलेंस कर, मतलब जो बैलेंस करते हैं और अलग अलग आकर्षक बहुत कठिन कठिन मुद्राएं करते हैं, जो बहुत ही मुश्किल होता है, देखने में बहुत आकर्षक लगता है यह नृत्य। अब हम अगला पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फाग नृत्य। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, फाग नाम से पता चलता है कि यह फाग माह में बनाया जाता होगा। अब इस नृत्य का जो आयोजन है वह गोंड एवं बैगा जनजातियों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है फाग महीने में। इसमें गांव के सभी युवक युवतियां आता था, प्रौढ़ आदिवासी लोग सभी, मतलब सभी गांव के सभी वर्ग के लोग, बच्चे बूढ़े और जवान, सभी लड़का लड़की सभी पार्टी, मतलब सभी भाग लेते हैं। इस सामूहिक नृत्य में एक या दो व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया, ये सबको लेके नचा नचा कर सबका मनोरंजन करते हैं सबका। तो सब हर नृत्य की एक अपनी कहानी, एक संस्कृति है, आप उसे कहानी के तौर पर याद रखिए। जैसे मैं परधोनी बोला तो आपको हाथी वाला कहानी याद आना चाहिए, फाग नृत्य बोला तो हाँ लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया, तो आप इसे ऐसा याद रख सकते हैं। तो सब बजा हाथ में लकड़ी की चिड़िया लेकर मनोरंजन करते हैं। अब इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र होते हैं उसका नाम मांदर है और टिमकी है। तो अब हम अगला नृत्य पढ़ लेते हैं, वो है बिल्मा नृत्य। अब जो बिल्मा नृत्य है, इसका बिल्मा का जो मुख्य अर्थ होता है वो मिलन स्थान, मतलब जहाँ पे मिलते हैं। यह गोंड और बैंगा जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है, और माफ कीजिएगा, इस नृत्य का आयोजन दशहरा के अवसर पर होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। यह नृत्य प्रायः, माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्राशित लिखा गया है, वो प्राशित नहीं है, वो उसका नाम जी, वो शीत ऋतु है, वो प्राशित लिखा गया है गलती से। तो शीत ऋतु में आयोजित होता है। एक गांव के युवक और युवतियां अलग अलग समूह बनाकर दूसरे गांव में नृत्य करने जाते हैं, इसे हम बिल्मा नृत्य कहते हैं। यह युवतियां नृत्य करते करते अपने जीवन साथी का भी चुनाव कर लेती हैं, तो यह भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि यह बहुत ही मतलब आसान होना चाहिए। बिल्मा नृत्य जब भी आपको कहा जाए, इससे मतलब ऐसा है कि लड़कियां ग्रुप बना के डांस करती हैं अलग अलग गाँव में जाके, और डांस करते करते ही अपना जो पार्टनर है, जीवन साथी का चुनाव कर लेती हैं। तो यह तो बहुत ही आसान है बिल्मा नृत्य, तो आप इसे इस कहानी से याद रखिए। तो ये हमारा जो है
लोक नृत्य की जो मुख्य नृत्य है छत्तीसगढ़ की ये है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ ले, याद रख ले। अब हम अन्य नृत्य को देख लेते हैं। ये अन्य लोक नृत्य जो है थापटी, ककसार, गंवर, अब हम इसको भी एक एक करके थोड़ा थोड़ा दो लाइन देख लेते हैं। ये अन्य नृत्य आपको मुख्य पहले याद हो जाने चाहिए, फिर अन्य भी याद हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थापटी। थापटी जो है यह कोरकू जनजाति का परंपरागत लोक नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। यह चैत्र वैशाख में कोरकू स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं, मतलब इस नृत्य को सामूहिक नृत्य करते हैं स्त्री पुरुष। पुरुष हाथ में पंचा लेते हैं और महिला अपने दोनों हाथों में चिटकोरा बजाते हुए नृत्य करती है। और इस नृत्य में गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक झुक कर नृत्य किया जाता है। ये आपको इमेजिन नहीं हो रहा होगा कैसे हो रहा होगा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप गूगल में जाइए और एक एक नृत्य, गूगल इमेजेस में जाइए और एक एक नृत्य का नाम टाइप कीजिए, आपको इमेजेस मिल जाएगा और आप इमेजेस के थ्रू भी अच्छे से याद रख सकते हैं। पहले आप अच्छे से पढ़ लें, फिर इमेजेस देख के उसे अच्छे से रिविजन कर लें। अब हम अगला पढ़ लेते हैं, वो है ककसार। ककसार नृत्य जो है ये भी मुरिया जनजाति की एक पारंपरिक नृत्य है और यह मूलतः जात्रा नृत्य है। जात्रा मतलब होता है कि जब हम किसी भगवान के लिए यात्रा करते हैं, जैसे कहीं भगवान का किसी मूर्ति है, हम यात्रा निकालते हैं भगवान की मूर्ति को लेके, तो उसे हम जात्रा कहते हैं धार्मिक जगह के लेके। तो गांव के धार्मिक स्थल पर मोरिया आदिवासी वर्ष में एक बार ककसार यात्रा पर पूजा का आयोजन करते हैं और इस आयोजन के समय ही जो नृत्य होता है उसे हम ककसार नृत्य कहते हैं। अगला जो है वो है गंवर नृत्य। अब गंवर नृत्य जो है यह मड़िया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे गंवर लिखा है, वो गंवर है, गंवर टाइप करते करते थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब यह बस्तर की माड़िया जनजाति का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। प्रसिद्ध जो मानव शास्त्री है वेरियर एल्विन, ये जो एक मानव शास्त्री है फॉरेन के हैं, इन्होंने गंवर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य के रूप में निरूपित किया है। इसमें जो है माड़िया युवक गंवर नामक जंगली पशु और कौड़ियों से सुसज्जित मुकुट अपने सिर पर बांधते हैं, इस कारण इस नृत्य का नाम गंवर नृत्य पड़ा है। मतलब इस गंवर नृत्य में गंवर क्या है, एक जंगली पशु है और इसके कौड़ियों से सुसज्जित मुकुट अपने सर पर बांधते हैं, इस कारण इस नृत्य का नाम पड़ा है गंवर नृत्य। अब हम अगला देख लेते हैं, वो है दोरला नृत्य। दोरला बस्तर में पाए जाने वाली एक जनजाति है, इसी जनजाति के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। जनजाति के नाम पे ही नृत्य का नाम पड़ गया है। दोरला जनजाति अपने विभिन्न पर्व, त्योहार, विवाह आदि अवसर पर इस पारंपरिक नृत्य का आयोजन करती है। इस नृत्य में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र एक विशेष प्रकार का ढोल होता है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं, सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो है यह उराव एवं मुंडा जनजातियों का अनुष्ठान नृत्य है। मतलब जब मुंडा और उराव जनजाति वाले अनुष्ठान करते हैं तब वह सरहुल नृत्य का नृत्य करते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अनुष्ठान के बाद नृत्य लिखा गया है, वो नृत्य है। उराव जनजाति के लोग वर्ष में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं। साल वृक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये स्टेट ट्री है, मतलब अपने छत्तीसगढ़ का वृक्ष है साल वृक्ष, राज्य वृक्ष है, उसकी पूजा का आयोजन करते हैं और इस वृक्ष के आसपास जो नृत्य करते हैं उसे हम सरहुल नृत्य कहते हैं। अब हम हुलकी नृत्य पढ़ लेते हैं। हुलकी नृत्य जो है पाटा नृत्य का प्रचलन मुरिया जनजातियों में किया है, मुरिया जनजातियों ने किया है इस नृत्य का जो प्रचलन है। इस नृत्य के साथ साथ गीत का भी विशेष आकर्षण होता है। इस नृत्य में युवक और युवतियां दोनों हिस्सा लेते हैं। इसमें यह गाया जाता है कि राजा रानी कैसे रहते हैं, मतलब
ये उनका एक सब्जेक्ट है, विषय है, इस विषय पे गाना गाते हैं उन लोग की राजा रानी कैसे रहते हैं। जो अन्य गीत होते हैं उसमें युवक और युवतियों की शारीरिक संरचना के प्रति सवाल जवाब होते हैं। यह नृत्य किसी भी समय में नहीं बना होता है, इसका आयोजन किसी भी समय से किया जाता है। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष स्पेशल नहीं होता वक्त की, दशहरा के पहले या किसी मौसम में या किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है होली नृत्य। अब दशहरा नृत्य, जैसा कि यह नाम से पता चल रहा है कि यह दशहरा के समय होता है, लेकिन जो बैगा जनजाति होते हैं उन लोग दशहरा त्यौहार नहीं मनाते हैं। बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा, लेकिन बैगा जनजाति वाले दशहरा त्यौहार नहीं मनाते हैं, किंतु विजयदशमी से प्रारंभ होने के कारण, विजयदशमी के दिन प्रारंभ होता है यह नृत्य, इसलिए इस नृत्य का नाम दशहरा नृत्य पड़ गया। अब दशहरा नृत्य को बैगा जनजातियों का आदि नृत्य कहते हैं। आदि नृत्य मतलब सबसे प्रमुख नृत्य जो है बैगा जनजातियों का, वह है दशहरा नृत्य। तो यह प्रश्न भी शायद पूछ सकता है कि बैगा जनजातियों का आदि नृत्य कौन सा है, और दो तीन नाम दे दे शायद, तो दशहरा है, याद रखिएगा। दशहरा नृत्य एक तरह से बैगा जनजातियों का सामाजिक व्यवहार की कलात्मक संपूर्ति है, और यह नृत्य सैला नृत्य का एक सरल रूप है। हमने जो सैला नृत्य पढ़ा था मुख्य नृत्य में, उस नृत्य का एक सरल रूप है, और इसमें बैगा जनजातियों के जैसे भी व्यवहार करते हैं उनका एक कलात्मक रूप में अपने नृत्य के थ्रू प्रस्तुत किया जाता है इसमें। अगला आइए अब हम देख लेते हैं अटारी नृत्य। अटारी नृत्य जो है यह बघेलखंड के जो भूमि आदिवासी हैं उनका प्रमुख नृत्य है। इसमें ऐसे याद रखने लायक कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि अटारी नृत्य जो है बघेलखंड की भूमि आदिवासी करते हैं। अगला हम पढ़ लेते हैं, वह है ढांडल नृत्य। ढांडल नृत्य जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित है। इसमें नृत्य के साथ सिंगार गीत भी गाए जाते हैं। इसमें नृत्य करते समय एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है। तो ढांडल मतलब डंडा, आप याद रखिए, डंडों से, छोटे छोटे डंडों से प्रहार किया जाता है, मतलब ढांडल नृत्य। अगला जो नृत्य है वह है कोल दहका। नाम थोड़ा बड़ा है बट जैसे नाम से स्पष्ट है, यह कोल जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य को हम कोल्हाई नाच भी कहते हैं। यह सरगुजा जिले के कोल जनजाति में बहुत प्रचलित है। इस नृत्य में पुरुष गायक और वादक दोनों की भूमिका निभाते हैं और महिलाएं भी गाती हैं, और जो भी गीत होते हैं वह सवाल जवाब की शैली में होते हैं। इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं वह शादी की वेशभूषा में नाचती हैं और साथ साथ गाती भी हैं। महिलाओं के चेहरे पर घूंघट होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, हमने लोक नृत्य को पूरा पढ़ लिया है, मुख्य और अन्य भी। अब हम अगला देख लेते हैं जो कि है लोक नाट्य। अब लोक नाट्य को भी हमने मुख्य लोक नाट्य देख लिए हैं, जिनमें से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नाचा, पंडवानी, खम्ब स्वांग, राई, माओ पाटा, दही कांदो, गम्मत, भतरा नाट। तो घबराइए मत, नाम थोड़े मुश्किल हैं, दही कांदो, माओ पाटो, खम्ब स्वांग, लेकिन हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कहानी जैसे याद रखिए आप, नाम मुश्किल होंगे तो याद भी हो जाएंगे आसानी से, आसान नाम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंडवानी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं पंडवानी। अब पंडवानी जो है वो क्या है, जो महाकाव्य है महाभारत, उसमें जो पांडवों की कथा है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण ही पंडवानी है। इस लोक नाट्य के लिए किसी विशेष अवसर, ऋतु या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, यह किसी समय भी किया जा सकता है पंडवानी को। इसकी दो शाखाएँ होती हैं, जो वेदवती और कापालिक है, इसके दो शाखाएं हैं, और इसके दो प्रसिद्ध कलाकार हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों नाम आपने जरूर सुना होगा, एक तो तीजन भाई और दूसरा है झाड़ूराम देवांगन। ये बहुत ही पुराने प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने पूरे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और आजकल जो नए कलाकार हैं उसमें ऋतु वर्मा नाम के कलाकार हैं पंडवानी के लिए, वो प्रसिद्ध हैं। तो ऋतु वर्मा, तीजन भाई और झाड़ूराम देवांगन, ये तीन नाम पंडवानी के लिए। अगला जो है वो है नाचा। नाचा भी बहुत प्रसिद्ध है, इसे हम नाचिया भी कहते हैं, और यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नाट्य है। अब प्रमुख इसलिए है क्योंकि
एक तो ये किसी विशेष तिथि में इसकी आवश्यकता नहीं होती आयोजन करने के लिए। दूसरा, इसका आयोजन करते समय जो मंच होता है उसका बहुत कम लागत में कम साधन में संपन्न किया जा सकता है, तो ये कोई भी कर सकता है। और इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग ले सकते हैं। जो स्त्री का किरदार होता है, स्त्री कैरेक्टर जो भी होता है, वो भी पुरुष ही करते हैं। मतलब ये पुरुष प्रधान नाटक है। अब हम अगला देख लेते हैं गम्मत। गम्मत जो है, माफ कीजिएगा, हाँ, तो गम्मत जो है रहस, जो रहस भी एक प्रकार का नाटक है जो मैंने इधर दिया है, उसमें प्रदर्शित होने वाले प्रहसन को गम्मत कहते हैं कुछ लोग, बट ऐसा नहीं है। गम्मत को हम अलग से आयोजित करते हैं। गम्मत का जो मंच होता है वो वर्गाकार होता है और उसके एक किनारे पर वादक बैठकर साज बजाते हैं। साज वाद्य यंत्र होता है, मतलब कोई भी एक वाद्य यंत्र बजाते हैं और जो नर्तक होते हैं वो नृत्य करते हैं। अब गम्मत में होता क्या है, गम्मत में सामान्यतः कृष्ण की लीला का आख्यान होता है तथा बीच बीच में जो प्रहसन होता है उसका आयोजन किया जाता है। तो ये था गम्मत। अब हम अगला पढ़ लेते हैं खम्भ स्वांग। तो नाम से घबराइए मत, हम आपको खम्भ मतलब बता देते हैं। जो खम्भ है वह खम्भ मतलब होता है मेघनाथ खम्भ। अब मेघनाथ आपको याद आ रहा होगा, रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था, तो ये उसी भगवान की जो अनुष्ठान है उसके लिए जो नाटक किया जाता है वह खम्भ स्वांग होता है। अब उसके प्रसन्न करने के लिए जो नाटक करते हैं खम्भ स्वांग होता है और यह शुरू और अंत में होता है अनुष्ठान के, खम्भ स्वांग। अब का जो संगीत अपने और मंची दृष्टि से कुरकू आदिवासियों का संपूर्ण नाटक, मतलब कुरकू आदिवासी जो हैं खम्भ स्वांग करते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं भतरा नाट। अब ये नाट मतलब ऐसा, ये इसका नाम नहीं है, इसका जो वास्तविक है वो भतरा नाटक है, बट हम नाट्य कहें, नाटक कहें, प्रहसन कहें या नाट कहें, सबका मतलब एक ही होता है। आप भतरा है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब जो भतरा है यह बस्तर के भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम भतरा नाट पड़ा है। और इसका जो मंचन होता है, मतलब यह कब किया जाता है, यह उत्सवों में किया जाता है, त्योहारों में, जात्रा जो धार्मिक स्थल के लिए एकत्रित होकर भगवान की अनुष्ठान करते हैं उस समय होता है। मड़ई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये प्रस्तुत किया जाता है। और इस नाट्य पर उड़ीसा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और कहा जाता है कि जो बस्तर की मतलब यहाँ पे राजधानी लिखा हुआ, माफ़ कीजिएगा, वो बस्तर के राजा जो हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा की वापसी के बाद वहाँ के नाट्य संकीर्तन में को अपनी प्रजा के बीच में प्रचलित कराया, मतलब वहाँ की प्रजा के बीच में प्रचलित कराने के लिए उड़ीसा का इसमें प्रभाव बहुत मिलेगा भतरा नाट में। भतरा नाट के जो मुखौटे का वेशभूषा है वो जगन्नाथपुरी से मंगाया जाता है आज भी, और जिसमें नाट्य पोथी है वो भी उड़ीसा में उपलब्ध है। नाट्य पोथी मतलब जो भी जो नाटक से रिलेटेड जो बुक लिखी गई है, पुस्तक है नियम उसके, वो भी उड़ीसा में उपलब्ध है। तो भतरा नाट जो है पूरी तरह से उड़ीसा का ही प्रभावित है, उड़ीसा। अब हम अगला पढ़ लेते हैं माओपाट। यह भी नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे भी पढ़ते हैं। यह बस्तर की मुड़िया जनजाति में प्रचलित एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यह लोक नाट्य शिकार कथा पर आधारित है। शिकार कथा पर आधारित है मतलब इसमें क्या होता है, यह कथा कैसा होता है, इसमें आखेट पर जाने से लेकर शिकार, आखेट मतलब होता है शिकार, मतलब शिकार पर जाने से लेकर शिकार करके शिकारियों को सकुशल वापस आने व समारोह तक की घटनाओं, मतलब ये पूरा जो सिनेरियो है, शिकार पर जाना, शिकार करना, वापस आना और समारोह में भाग लेना, ये सारी घटनाओं को नाटक के थ्रू दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं माओ पाटा। ठीक है, अब हम अगला पढ़ लेते हैं जो है रहस। रहस नाम से बहुत सिंपल है और यह लोक छत्तीसगढ़ की बहुत प्रमुख लोक नाट्य है। यह एक अनुष्ठान नाट्य विद्या है। अनुष्ठान मतलब पता है आपको, मतलब भक्ति इसमें शामिल है। इसके जो प्रमुख है, ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा भक्ति और मनोरंजन के सम्मिलित भाव से आयोजित किया जाता है। यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब इसमें जैसा कि नाम सिंपल है, रहस जितने सारे नाम अब तक हम पढ़े उसमें यह सबसे सिंपल नाम है, खम्भ स्वांग, माओ पाटा के बाद रहस। जैसा कि ये नाम एकदम सिंपल है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है और आध्यात्मिकता भी है, इसलिए यह सिंपल है।
तो हम अगला पढ़ लेते हैं राई, यह भी सिंपल नाम है। यह लोक नृत्य बुंदेलखंड की पहचान है। इस लोक नृत्य के लिए आपको शारीरिक चपलता, उद्यम आवेग और जीवंतता चाहिए, ठीक है। और इसमें ऐसा विशेष याद रखने लायक कोई नहीं है, बट अब बुंदेलखंड की है, आपको याद रखना है। अब हम सबसे अलग थोड़ा नाम है दही कांदो, ये मुझे कुछ खाने के डिश का नाम याद आ रहा है इससे, उसका बारे में पढ़ लेते हैं। जो दही कांदो है, ये छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के आदिवासी जो हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही कांदो नामक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते हैं। किन लोग प्रस्तुत करते हैं? मैदानी क्षेत्र के आदिवासी। कब करते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। अब यह जो नृत्य है वह कर्मा और रास का मिला जुला रूप है। इसमें किसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर लेते हैं और उसके चारों ओर नृत्य करते हुए कृष्ण की जो लीला का है उस पर अभिनय करते हैं। तो ये जो है दही कांदो है। तो जैसा कि हमने सारे विचित्र नामों को, मेरा मतलब है सारे नामों को पढ़ लिया है, उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ लिए हैं, इसे एक दो बार पढ़ेंगे आपको नाम भी याद हो जाएगा और उसके बारे में भी याद हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है अगला वह है लोकगीत। अब लोकगीत भी हमने अलग अलग बहुत सारे होते हैं, हमने मुख्य लोकगीत को ही लिया है। सबसे पहले लोरिक चंदा, इसको देख के आपको याद आ रहा होगा, हमने थोड़ी देर पहले लोरिक चंदा बोला था, वो किसलिए बोला था? यह चंदैनी नृत्य को हम लोरिक चंदा कहते हैं। अब जो उसमें है वह इसमें कैसे आ गया? तो जैसा कि मैंने आपको चंदैनी नृत्य जब पढ़ाया था तब आपको कहा था कि यह एक नृत्य गीत है। तो कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जिसमें नृत्य भी होता है और गीत भी होता है, उनमें से लोरिक चंदा एक है। तो हम चले थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। यह उत्तर भारत की एक लोकप्रिय प्रेम गाथा है। इसमें लोरिक और चंदा के प्रसंगों को क्षेत्रीय विशिष्टता के साथ गाया जाता है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ में नृत्य गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य गीत रात भर चलता है। तो ये था लोरिक चंदा। अगला हम पढ़ लेते हैं ढोला मारू। बहुत ही अच्छा नाम है ढोला मारू, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए हम ढोला मारू के बारे में पढ़ लेते हैं। ढोला मारू जो है आपको मैं आसानी से याद हो जाता है, मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज़ में, ये एक राजस्थान की लोक गाथा है परंतु संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है। अब ये जो ढोला मारू है मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ तथा छत्तीसगढ़ के बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब जो ढोला मारू है, नाम से आपको लग नहीं रहा होगा बट ये प्रेम गीत है, प्रेम के गीत होते हैं ढोला मारू, ठीक है। अब जो छत्तीसगढ़ ढोला मारू कथा में मारू का वर्णन अधिक होता है। ढोला मारू की प्रेम कथा का त्रिकोणात्मक पहलू कथा को और रोमांचकारी बनाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में लव ट्रायंगल होता है और उसके कारण मूवी में बहुत ही एक्साइटमेंट आ जाता है, थोड़ा रोमांचकारी हो जाता है मूवी, वैसी ही प्रेम कथा का त्रिकोणात्मक पहलू मतलब लव ट्रायंगल। तो जैसा कि नाम से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ढोला मारू मतलब प्रेम गीत होता है, बट आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। तो ढोला मारू पढ़ने के बाद हम अगला पढ़ते हैं पंडवानी। पंडवानी भी हमने पहले पढ़ चुका है, इसमें भी नृत्य होता है और संगीत होता है। तो हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का यह प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध लोक गीत महाभारत के विभिन्न वीरता प्रसंगों पर आधारित है। इसमें जो गायक होता है वह तंबूरा लेकर गाता है तथा साथ ही साथ वह अभिनय भी करता है। गायक के अन्य जो कलाकार होते हैं वो साथी वाद्य यंत्रों की सहायता से सुर ताल के संयोजन के साथ मुख्य गायक के साथ देते हैं। तो ये पंडवानी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं जिसका नाम है बांस गीत। जैसा कि आपको लग रहा होगा बांस गीत में बांस का प्रयोग तो ज़रूर होता होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं। बांस गीत में बांस का प्रयोग होता है। तो यह मूलतः एक गाथा गायन है जिसमें गायक रागी और वादक दोनों होते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें जो गाथा गायन के साथ मोटे बांस का प्रयोग किया जाता है जो लगभग 1 मीटर लंबा होता है और बहुत सजा धजा के इसको प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम बांस गीत कहते हैं।
तो नाम से स्पष्ट है बांस गीत क्या है। और इस बांस गीत के एक तरफ से फूकने पर एक भारी आवाज आती है, उसी से हम गीत बजाते हैं और राउत जाति के लोग इसे गाते हैं। आइए अब हम अगला पढ़ लेते हैं जिसका नाम है घोटुल पाटा। तो यह नाम भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी अच्छे से पढ़िए। इसमें सारे नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम जो जनजातियां पढ़ रहे हैं उसमें, जनजाति कलाएं पढ़ रहे हैं उसमें। अब जो ये घोटुल पाटा है, यह एक मृत्यु गीत है जिसे मोरिया आदिवासियों में अब मृत्यु के अभिव्यक्ति, मृत्यु के अवसर पर अभिव्यक्ति करते हैं आदिवासी, और इसे बुजुर्ग व्यक्ति गाते हैं। तो घोटुल पाटा मतलब होता है मृत्यु गीत। अब हम अगला पढ़ लेते हैं इसका नाम है बिरहा। अब बिरहा जो है बुंदेलखंड का प्रतिनिधि नृत्य गायन है, यह बुंदेलखंड के लगभग सभी जातियों में प्रचलित है। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, किंतु जो गोंड जनजाति होती है और बैगा के आदिवासी होते हैं, यह जो लड़की की जब शादी होती, विवाह होता है प्रथा, और दिवाली के अवसर पर इसको गाते हैं ज़्यादातर। और इस विरह में क्या होता है, प्रायः लड़की के विरह का वर्णन होता है। अब ये विरह और बिरह एक ही है, विरह जो है शुद्ध वर्ड है और बिरह जो है अशुद्ध वर्ड है, इसलिए विरह को हम अशुद्ध भाषा में बिरह बोलेंगे, बिरह। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ते हैं जो है भरतरी गीत। भरतरी एक लोक गाथा है जिसमें राजा भरतरी और रानी पिंगला की कथा का गायन होता है। छत्तीसगढ़ में भरतरी गायन की परंपरा बहुत पुरानी है, जो एक लोक गायन शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। भरतरी गायन प्रायः नागपंथी गायक करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने लायक नहीं है, बस भरतरी गीत किस राजा पे है, तो भरतरी राजा पे है और रानी पिंगला के में है, इसमें और कुछ नहीं है। अब शायद एक और बचा है जिसका नाम है ददरिया। अब ददरिया जो है ये एक प्रेम गीत है, मतलब गीत में हमने दो प्रेम पढ़ लिया है, एक ढोला मारू और एक ददरिया। इसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। ददरिया दो दो पंक्ति के गीत होते हैं, टू टू लाइनर्स, जो लोक गीति काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण होते हैं। ददरिया गीत स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं और अलग अलग भी गाते हैं, दोनों टाइप का होता है। जब स्त्री और पुरुष गाते हैं तब ददरिया सवाल जवाब के में रूप में गाया जाता है। तो ये था हमारा, देख लीजिए ये हाँ हमारे मुख्य लोकगीत हैं, लोरिक चंदा, ढोला मारू, पंडवानी, बांस गीत, घोटुल पाटा, बिरहा, भरतरी गीत और ददरिया, ये हमने अभी लोकगीत पढ़ा है। तो अब हम अगला पढ़ लेते हैं लोक चित्रकला। लोक चित्रकला हमने मुख्य लिया है यहाँ पर, जैसे चौक है, सव नाही है, हरतालिका है, आठे कन्हैया है, घर श्रृंगार, विवाह चित्र, नोह डोरा और गोदना, ये सारे जो हैं लोक चित्रकला में आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चौक के बारे में पढ़ते हैं। इस चौक को हम रंगोली भी कहते हैं सामान्य भाषा में। छत्तीसगढ़ में रंगोली किया यह कला व्यापक रूप से प्रचलित है, मतलब रंगोली नाम से प्रचलित है यह चौक की कला। इसमें गोबर की लिपाई के ऊपर चावल के घोल से चौक बनाया जाता है। चावल गेहूं के आटे से भी चौक बनाने की परंपरा है। तो छत्तीसगढ़ में सभी प्रमुख अवसरों पर चौक मनाया जाता है। चौक में पग चिन्ह, बेल बूटे एवं ज्यामितीय आकृतियां भी बनाई जाती है। तो ये तो आपको सबको पता होगा क्योंकि ये तो सबके घर पे होता है, रंगोली बनाई जाती है, इसको हम रंगोली बोलते हैं। गोबर के ऊपर लीप के हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं अलग अलग चित्र, तो ये तो बहुत आसान था। अगला पढ़ लेते हैं हम सवनाही। सवनाही जो है छत्तीसगढ़ की महिलाएं श्रावण मास की हरेली अमावस्या को घर के मुख्य द्वार पर गोबर से सवनाही का अंकन करती है। अब उसमें क्या होता है, चार उंगलियों से घर के चारों ओर मोटी रेखा से घर को घेर देते हैं और उसमें मानव तथा पशुओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें शेर के शिकार के चित्र भी बनाए जाते हैं। अभी क्यों बनाए जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी मान्यता है कि हरेली के अवसर पर जादू टोने की मान्यता रहती है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचने के लिए एक सुरक्षा घेरा जैसा बना देते हैं, तो जिसे हम सवनाही कहते हैं। अगला है हरतालिका और आठे कन्हैया। हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जो आठे कन्हैया है, जैसे नाम से स्पष्ट है कन्हैया, कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान, तो आठे मतलब होता है नंबर में आठ, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखें। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह मिट्टी
के रंगों से बनाया जाता है। और इसमें कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन होता है और महिलाएं कृष्ण की 8 पुतलियों की पूजा करती है। मतलब कृष्ण और 8 पुतलियां आप याद रखें, ये याद हो जाएगा आसानी से। अब आते हैं हरतालिका, ये भी कुछ नहीं है, यह महिलाओं के द्वारा पूजा जाता है और हरतालिका का चित्रण किया जाता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं घर श्रृंगार और विवाह चित्र। अब घर श्रृंगार, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में घर सजाने की कला देखने को मिलती है। लिपटी हुई दीवार पर, माफ़ कीजिएगा, लीपी हुई दीवार है पर गिरी काजल और पीली मिट्टी आदि से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती हैं। मतलब जो घर को सजाने का काम होता है उसको हम घर श्रृंगार में लेते हैं। विवाह चित्र, विवाह आदि अवसर पर छत्तीसगढ़ में चितेर जाति के लोग दीवारों पर चित्रांकन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यह दीवार एवं द्वारों पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों एवं विवाह प्रसंग आदि अंकन किया जाता है। तो हम इतना सारा पढ़ लिए हैं, अब दो और पढ़ लेते हैं, नोह डोरा और गोदना। जिससे आप गोदना के बारे में तो सब पहले से पढ़ चुके होंगे, यह छत्तीसगढ़ी महिलाएं विशेषकर जहाँ पर बनवा लेती हैं और इसको हम आजकल टैटू भी कहते हैं, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और एक होता है नोह डोरा। अभी नोह डोरा क्या होता है, मिट्टी का एक नया घर बनाते समय महिलाएं अलंकरण के लिए मिट्टी से सूखे हुए अथवा गहरे अलंकरण द्वारा अध्यापक कृतियां बनाती हैं। मतलब अलग अलग कृतियां बनाती हैं महिलाएं, जिसे नोह डोरा कहते हैं। यह जो कला है गीली दीवारों पर बनाई जाती है, गीली दीवार बनाते हैं और इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे सबका चित्रण किया जाता है। तो ये हो गया नोह डोरा और गोदना। तो हमने लोक चित्रकला में ये सारे पढ़ लिया है, चौक, सवनाही, हरतालिका, आठे कन्हैया, घर श्रृंगार, विवाह चित्र, नोह डोरा और गोदना। तो हमारा जो है प्रदर्शनकारी कलाएं हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने लोक नृत्य, लोक गीत, लोक नाटक और अभी हमने जो पहले पढ़ा लोक चित्रकला, ये सारा पढ़ लिया है। अब हम कुछ रूपांकर कलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। रूपांकर कलाएं जो है, हमने जो मुख्य कलाएं हैं 6 उनको लिया है, मिट्टी शिल्प, लौह शिल्प, पत्ता शिल्प, बांस शिल्प, कंगी शिल्प और काशिल्प। हम एक एक थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं सबके बारे में। वैसे इस रूपांकर शिल्प से बहुत कम पूछा जाता है, बट हमको पढ़ना है एक बार, हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी शिल्प। मिट्टी शिल्प के बारे में यह कहा गया है, जो बहुत समृद्ध है, मिट्टी शिल्प जो है छत्तीसगढ़ में बहुत समृद्ध है, बहुत जगह पर फैली हुई है। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ बनाने का कार्य जो है, जो करते हैं उनको हम कुम्हार कहते हैं, जो सबको पता है, बहुत आम बात है ये। रायगढ़, सरगुजा और राजनांदगांव में मिट्टी के शिल्प बहुत प्रचलित हैं इस जगह पर, लेकिन जो बस्तर ज़िला है राज्य का, वो अपनी शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पहचान बनाता है। तो मिट्टी शिल्प मतलब आप याद रखें बस्तर, ठीक है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं जो कि है काष्ठ शिल्प। अब काष्ठ शिल्प बहुत ही प्राचीन परंपरा है। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, जो हम लकड़ी पे जो शिल्पी कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं काष्ठ शिल्प। जो ये आदिम समूह करते हैं, ये बहुत प्राचीन समय से लकड़ियों पर अपना उकेर रहे हैं अलग अलग आकृति। और बस्तर की मोरिया जनजाति, कोरकू जनजाति एवं सरगुजा की अनगढ़ मूर्तियां काष्ठ कला के लिए उत्कृष्ट नमूने हैं। मतलब इस जगह पे बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई गई हैं लकड़ी के ऊपर। तो अब अगला देख लेते हैं कंघी कला। अब कंघी, ये वही कंघी है जिससे हम अपने बाल संवारते हैं। तो आदिवासी उस पर भी अपना आकृति का बनाते हैं। तो जो आदिवासी अनेक प्रकार की कंघियों का प्रचलन प्राचीन काल से चला रहा है, अलग अलग तरीके की सजावट वाली जो कंघियाँ हैं वो पुराने ज़माने से चला रहा है। अब बस्तर में कंघी प्रेम विशेष उल्लेखनीय है। अब बस्तर भाई इन्हीं सब चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है बस्तर में। आप देख रहे होंगे जब से हम पढ़ रहे हैं जनजातियाँ के कलाएँ पढ़ रहे हैं, बस्तर में हर चीज़ प्रसिद्ध है, बस्तर हर चीज़ों के लिए। तो आप याद रखें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न पूछा है और वो जनजाति कलाओं से रिलेटेड है वो क्वेश्चन और आपको आंसर मालूम नहीं है, और अगर प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, तो आप बस्तर एक ऑप्शन लगा के आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रश्न पे कैसा पूछा गया।
अब यहाँ पे कंघियों पे बहुत सुंदर अलंकृत किया जाते हैं। राज्य में जो कंघी बनाने का श्रेय है वह बंजारा जाति को दिया जाता है। बंजारा जाति के जो लोग होते हैं वह कंघी का निर्माण करते हैं। हम अगला पढ़ लेते हैं जो कि है बांस शिल्प। अब ये भी नाम से ही एकदम क्लियर है, जो बांस से बनी कलात्मक वस्तुएं होती हैं उनको हम बोलते हैं बांस शिल्प। अब जो बस्तर के लोग होते हैं, देखिए फिर से बस्तर आ गया, बस्तर ज़िले में जनजाति जो लोग होते हैं दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो भी वस्तुएं हैं जो बांस से निर्माण होते हैं उसको अपने हाथों से बनाते हैं, बांस से बनाते हैं, और जो भी दैनिक जीवन में जो भी उनको रोज़मर्रा की ज़रूरतें पड़ती है, सामान पड़ता है, उसको अपने हाथ से ही बनाते हैं बांस की मदद से। अब कमार जनजाति बांस के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। जो कमार जनजाति है इनको बांस के कार्य के लिए हम प्रसिद्ध करते मानते हैं। अगला जो है पत्ता शिल्प। जो पत्ता शिल्प है अभी मुख्यतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं, मतलब झाड़ू बनाने वाले को हम पत्ता शिल्पकार बोलते हैं। अब जो झाड़ू के अलावा पत्ता शिल्पकार का जो नमूना है, छिंद के पत्तों के कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन और ये सब जो विवाह में जो बांधते हैं सहरा, ये सब इससे बनाए जाते हैं पत्ता शिल्पकार। अब आखिरी है लौह शिल्पकार। बस्तर में मुरिया माड़िया आदिवासियों के विभिन्न अनुष्ठानों में लोहे से बने स्तंभ के साथ देवी देवताओं, नाग, पशुओं आदि की मूर्तियां अर्पित करने का परंपरा है। बस्तर में लौह शिल्प का काम लोहार जाति के लोग करते हैं। जैसा पता है कि ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है, मिट्टी का शिल्प कुम्हार है, ठीक है, कास्ट शिल्प, बांस शिल्प, ये सब हमारी रोज़मर्रा के जीवन का वाला है। तो लौह शिल्प जो लोहे का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं, सॉरी लोहार कहते हैं, ठीक है। तो लोहार जाति के लोग करते हैं। बस्तर की कई लौह शिल्पियों में मतलब राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं लौह शिल्प में, मतलब इतना अच्छा है वहाँ का। जो हमने आपने बहुत जगह क्राफ्ट मेला लगता है देखा होंगे बहुत जगह पे, वहाँ पे आप जाके देखिएगा बस्तर का जो कास्ट शिल्प लोहे की मूर्तियाँ बनाई बना बना के रखते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही आकर्षक रहता है वो चीज़। तो ये तो था रूपांकर कलाएं। तो हमने जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को दो छत्तीसगढ़ की जनजाति कलाओं को दो भागों में बांटा था, जो था प्रदर्शनकारी कलाएं और जनजाति रूपांकर कलाएं, दोनों को पढ़ लिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। इसमें नाम सारे आप देसी देख चुके हैं, नाम थोड़े से अलग अलग आते हैं जो आसानी से याद नहीं हो सकते, बट इतना मुश्किल नहीं है, आप उसका पढ़ते जाएँ तो इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको इस जनजाति कला से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आपको बिल्कुल लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे। हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रोत्साहन मिलता है अलग अलग नए नए वीडियो बनाने के लिए, और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।